डोंकी एंड हिज ब्रेक। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर कौन होते हैं जंगल का? राजा। तो शेर को एक बार भूख लगी, तो शेर के पास उसका एक मंत्री था, फॉक्स। फॉक्स उसका क्या था? मंत्री। तो शेर ने बोला, मंत्री मंत्री मुझको भूख लगी, तो मैं क्या खाऊं? फॉक्स ने सोचा कि क्या करूं। फॉक्स ने बोला, राजा जी हमारे जंगल में एक डोंकी है जिसको आप खा सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्या मैं उसको आपके पास बुला के लाऊं? तो राजा ने बोला हाँ, उसको मेरे घर ले आओ। राजा का घर क्या होता है? जंगल। और जंगल में कहाँ रहते हैं शेर? डेन में। वेरी गुड। तो उसने बोला, उसको मेरे घर मेरी डेन में ले आओ। देखकर फॉक्स ने चलना शुरू किया और वो दूर चला गया। वहां जाके उसको कौन मिला? डोंकी। कौन मिला? डोंकी। तो डोंकी को जब फॉक्स मिला, फॉक्स ने बोला, डोंकी डोंकी तुमको हमारे राजा ने बुलाया है अपने घर में। राजा का घर क्या है? डेन में बुलाया है। चलो चलो। उसने बोला, अरे वाह, मुझको राजा ने बुलाया है, चलो मैं जल्दी चलता हूँ। फिर दोनों लोगों ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब वो जल्दी जल्दी कहाँ पहुंचे? राजा के घर। तो जब राजा के घर पहुंचे, तो फॉक्स ने बोला, ठीक है अब मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। लेकिन चलते चलते फॉक्स को भी ना थोड़ी सी भूख लग गई। तो क्या किया उसने, वो यहाँ बैठ गया। अब आया राजा और उसने बोला कि मैं तुमको खा जाऊंगा। और उसने उसके ऊपर क्या किया? जंप। और उसको घूम रहा पूरा नहीं खाया था, थोड़ा सा डोंकी बचा था। डोंकी पूरा करके, ठीक है, अब डोंकी का थोड़ा सा पोर्शन बचा था बॉडी का, तो छोड़ के राजे को ना क्या लगी? प्यास। राजा पानी पीने चला गया। कहाँ चला गया? पानी पीने। ये पानी है ना, तो राजा यहाँ पे पानी पीने लगा। गप 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 गप। फिर जब वो वापस आया, आके बोलता है, अरे मैंने तो डोंकी का दिमाग यहाँ छोड़ा था, वो कहाँ है कहाँ है? तो फॉक्स पर डर गया, क्योंकि चलते चलते फॉक्स को भी तो भूख लग गई थी ना। फॉक्स ने बोला, और पता है फॉक्स ने उसका दिमाग खा लिया। क्या कर लिया था? खा लिया था। लेकिन हम कहते हैं ना, अरे तुम गधे हो क्या, गधे के पास दिमाग नहीं होता। तो डोंकी ने बोला, अरे राजा जी ये तो गधा था ना, गधे के पास दिमाग नहीं होता, डोंकी के पास दिमाग नहीं होता। तो राजा फॉक्स की बातों में आ गया और उसने ये विश्वास कर लिया कि हाँ, डोंकी के पास तो दिमाग होता ही नहीं है, ये वो सही कह रहा है, और उसने उसको माफ कर दिया। तो ये है हमारी स्टोरी। अब आप बताओ, क्या कोई ऐसा जानवर होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता? होते हैं, सबके पास दिमाग होता है ना? नहीं, सबके पास दिमाग होता है, लेकिन फॉक्स ने उसको इतना क्लेवर था कि उसने उसको अपनी बातों में उलझा लिया। ठीक है, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी। थैंक यू। क्लैप एवरीवन। इस स्टोरी में जंगल का राजा कौन था? शेर। शेर कहाँ रहता है? डेन में। कहाँ रहता है? इन तीनों में सबसे क्लेवर कौन था? डोंकी, फॉक्स या फॉक्स? वेरी गुड। कौन था? फॉक्स। दिमाग वाला था ना। और जो जिस लायन ने किसका हंट किया? बैठो बैठो। लायन ने किसको खा लिया था? डोंकी को खा लिया था। और क्या लायन ने जो उसको मारा, वो अच्छा किया?
नहीं। क्या हमें कभी किसी को मारना चाहिए? नहीं नहीं। क्या फॉक्स ने झूठ बोल के शेर का खाना खा लिया, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के पास दिमाग नहीं, ये गलत बात है। मैं भी देखता हूं। हाँ, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू अगेन, बाय बाय।